हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर्स द ग्राफिक वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक सोशल मीडिया पोस्ट, वो भी एआई इमेज को जनरेट करके। सो चलिए देखते हैं। सो इमेज जनरेट करने के लिए मैं यूज करूंगा अडोबी फायरफ्लाई, और इसके बारे में आप लोग जानते ही हो, ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको टेक्स्ट इमेज में यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है, और इधर जाके आपको अपनी इमेज का डिस्क्राइब करना है, जो भी आपको जनरेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा एक हेडफोन का, तो लिख देते हैं मिस्टिक हेडफोन विथ थंडर लाइट और रेड एंड ब्लैक एंड ब्रेक, और यहाँ जाके जनरेट कर देंगे। ये कुछ इन्होंने रिजल्ट दिया है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा और रियलिस्टिक चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ फ़ोटो पे क्लिक कर दूँगा, ऑल पे जाऊँगा, और यहाँ आप देखोगे फैंटेसी का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर देंगे, और नीचे हाइपर रियलिस्टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम डिजिटल आर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से एक बार जनरेट करेंगे, तो अब थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलेगा। पहले से अच्छा है, थोड़ा कुछ और वेरिएशन देखते हैं इसके, इस वाले को देखते हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये थोड़ा ठीक है। वैसे मैंने एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी इमेज को मैं बैनर में यूज़ करूँ। चलिए उसी इमेज पर चलते हैं, वो मैंने फोटोशॉप में पहले से ओपन कर रखी थी। ये इमेज भी ठीक लग रही है मुझे, हर तरह से, हर एंगल से परफेक्ट है। और अब इसी को हम बैनर में कन्वर्ट करेंगे। प्रोसेस इसका वही है जैसे मैंने बाकी इमेज जनरेट की थी, वही उसी तरीके से ये भी जनरेट हुई है। आप भी ट्राई कर सकते हो, बट एक बात याद रखिएगा कि अडोबी फायरफ्लाई की जो इमेजेस होती हैं, जो जनरेटिव इमेजेस होती हैं, वो आप कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, पर्सनली यूज़ के लिए होती है वो। अगर आप नीचे यहाँ देखो तो इन्होंने दे भी रखा है कि इमेज नॉट फॉर कमर्शियल यूज़, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट देखिए जैसे मिडजर्नी हो गई, या फिर कोई और वेबसाइट जहाँ पे आप ऐसी इमेजेस को कमर्शियली यूज़ कर सको, तो वहाँ ठीक है, बट फायरफ्लाई में ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम वाटरमार्क रिमूव कर देते हैं। तो सिंपली करना क्या है, लॉसर टूल लेना है, सिलेक्ट करना है, और यहाँ जनरेटिव फील्ड पर जाके जनरेट कर देना है। जनरेटिव फील्ड भी बड़ा ही कमाल का फीचर आया है, आप लोगों ने शायद इसका यूज़ भी किया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार फीचर है, काफ़ी कुछ इसमें हेल्प भी मिल जाती है, बहुत काम ईजी कर देता है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने हमारी जो बैकग्राउंड था, जो वाटरमार्क था सॉरी, वो रिमूव कर दिया, और उसकी जगह सेम बैकग्राउंड का, सेम इफ़ेक्ट का इसने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है। आई थिंक ये ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है, तीसरे वाले को, थर्ड वाले को ही हम लेके चलते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, क्रॉप टूल लेना है, ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड रखना है, और यहाँ से इसे ड्रैग करना है। आई थिंक इतना ठीक है, और अब मैं इसे एंटर कर दूंगा। अब हमें करना क्या है कि इस एरिया में हमें ये जो बैकग्राउंड है हमारा पीछे इमेज का, इसको हमें फिल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस, यहाँ अगर आप देखोगे तो मेरे माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया है, और यहाँ हम क्लिक कर देंगे तो एक सिलेक्शन बन जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट पे जाएंगे। अगर आपके पास जनरेटिव फील्ड का ऑप्शन है तो यहाँ आप जाके ये ब्रश वाले आइकन पर जाके भी कॉन्ट्रैक्ट पे सिलेक्शन ले सकते हो, या फिर आप सिलेक्ट पे जाके मॉडिफाई में जाके भी कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर सकते हो, तो दोनों में से कुछ भी आप देख सकते हो। और उसके बाद इसको हम कर देंगे 10, और यहाँ ओके कर देंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे तो इसको इन्वर्स कर देगा, ये देखिए। अब हमें जनरेट पे क्लिक करना है और यहाँ जाके इसे जनरेट कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा इसने रिजल्ट दिया है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, और कुछ ऑप्शंस भी दे दिए इसने, मुझे सेकंड वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, सेकंड वाले के साथ चलते हैं हम। अब इन दोनों को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, और अब इसे हम कर देंगे मर्ज,
उसके बाद मुझे ये वायर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही, मैं सोच रहा इसको रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के लिए आपको सिंपली पता ही है करना क्या है, यहाँ जाना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश पे क्लिक करना है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना वैसा इतना दिखेगा भी नहीं है। सो ये हमारे पास एक इमेज तैयार होगी, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं ताकि ये पिक्सलेट ना हो। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा हेडफोन है इसकी मैं कॉपी लूँगा, सिर्फ हेडफोन की, तो इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पेन टूल और यहाँ से अब मैं सिलेक्ट करना शुरू कर दूँगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ पर आप चाहो तो आराम से टाइम लगा के कर सकते हो। सो ये हमने सेलेक्ट तो कर लिया है बट अभी इसके अंदर को भी, अंदर का एरिया भी हमें सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और फिर से पेन टूल से यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अब फिर से इस पे सिलेक्शन लेना शुरू करेंगे। सो अब हमने बाहर का और अंदर दोनों का सिलेक्शन ले लिया है, अब हमें कंट्रोल एंटर प्रेस करना है तो इसका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। और अब यहाँ जाके हम इसे कंट्रोल जे कर देंगे और इसकी ये देखिए कॉपी बन गई। इसे हम करते हैं बैनर में कन्वर्ट। सो एक गेमिंग हेडफोन है तो इसके लिए मैं कुछ गेमिंग टाइप का ही कंटेंट लिखूँगा, कोई टैगलाइन लिखता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा योर, इसकी कॉपी ले लेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस। इस गेमिंग वाले का मैं फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा, सॉरी, तो यहाँ जाके मैं फ़ॉन्ट में लूँगा फन गेम्स और इसको मैं कर दूँगा बड़ा, आई थिंक ये ठीक है। इन दोनों का जो फ़ॉन्ट है वो है सुई जेनेरिस, सो देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप यही फ़ॉन्ट यूज़ करो, डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हो। ये जो नीचे वाली हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है इसको हम थोड़ा लॉक कर देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और फिर इसे हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, माउस से क्लिक करके रखना है, आई थिंक ये ठीक है, थोड़ा सा और ठीक है, यहाँ से आके आप ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद हमें इसकी प्लेसमेंट थोड़ी ठीक करनी है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। और अब हमें इसे अपना जो हमारा जो हेडफोन था जो हमने सेलेक्ट किया था उसके पीछे ले जाना है, तो लेयर को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, योर वाले को हम इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और एक्सपीरियंस को भी मैं छोटा करके यहाँ रख देता हूँ, आई थिंक ये ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस गेमिंग को मैं, गेमिंग वाला जो कंटेंट है जो टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इफेक्ट पे जाऊँगा, ब्लेंडिंग मोड पे जाऊँगा और यहाँ इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे हल्का सा ताकि ये बैकग्राउंड से थोड़ा मैच रहे, थिंक ये ठीक है, थोड़ा सा और ठीक है, डन। एक्सपीरियंस वाले के साथ भी कुछ छेड़ते हैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडो पे जाऊँगा, स्टाइल्स पे जाऊँगा और यहाँ मैंने काफ़ी सारे स्टाइल्स डाउनलोड कर रखे हैं, इसकी क्लास में पहले बता चुका हूँ, ऊपर आप कोने पे देख सकते हो, उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ मुझे न्यू लेयर पे स्टाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं किसी भी एक पे लूँगा, मुझे आई थिंक ये रेड वाला ठीक लग रहा है। सो टैक्स जो हमारा था वो प्लेसमेंट वगैरह सब ठीक हो गई है, ये सब ओके कर दिया, सो टैक्स और प्लेसमेंट हमारा सब ओके है। उसके बाद हम इसके फीचर्स ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं सर्कल बना लेता हूँ, इसको हम कर देंगे वाइट
आउटलाइन इसकी रिमूव कर दूंगा और एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ये ठीक है। इसको हम कर्व कर देंगे और इसका इस बार फिल हम नन कर देंगे और आउटलाइन इसको हम वाइट कर देंगे और इसकी आउटलाइन में दो ठीक है इतनी रखता हूँ। आई थिंक एक कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी दिख रही है, ठीक है। हमें यहाँ एक आइकन डालना है, फीचर का आइकन ऐड करेंगे तो ये ब्लूटूथ होगा, तो ब्लूटूथ का आइकन ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको छोटा कर लेते हैं और इसे मैं कर दूंगा रेड। फॉन्ट भी इसका चेंज करके मैं कोई और यूज़ करूँगा। इसका कैप्स लॉक हटा देंगे हम और अब इसको हम कर देंगे प्लेस। तो बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसी के हम कुछ और फीचर्स भी ऐड कर देंगे, ये मैंने पहले से ही इन्हें ऐड कर दिया है। तो आप चाहो तो जितने फीचर ऐड करना चाहो कर सकते हो, बट यहाँ मुझे ये तीन सही लग रहे थे, वो तो मैंने यही ठीक लगे मुझे, तो ये ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, शेप टूल लेना है और इस पूरे बैकग्राउंड पे हमें एक स्क्वायर बनाना है, फिर इसका हम हटा देंगे और स्ट्रोक वाइट कर देंगे। उसके बाद इस रेक्टेंगल को हम सेंटर में कर देंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है। उसके बाद कुछ और डिटेल्स लिखेंगे कि मैंने पहले से ही लिख रखी थी, तो इसको मैं यहाँ साइड में लगा देता हूँ। फिर हम लोगो ऐड करेंगे, लोगो में यहाँ ठीक है। उसके बाद वेबसाइट लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रश टूल लेना है, जो हमारा रेक्टेंगल हमने जो आउटलाइन बनाई थी इस पे जाके मास्क करना है वो, और अब इसे रिमूव करते रहना है जहाँ पे हमारा टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है। फिर हम थोड़ा सा इसमें कर्व कर लेंगे, सो फाइनली आपका बैनर तैयार हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। सिर्फ कुछ एलिमेंट यूज़ करके हमने AI इमेज को एक बैनर में कन्वर्ट कर दिया है। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो। सो ये थी वीडियो जो कि आई होप आपको पसंद आई हो। सो गाइस जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि किसी भी टाइप की वीडियोस आप मिस ना कर सको। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बी ग्राफिक को ग्राफिक।